फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राहुल रॉय, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, गोविंदा और कैटरीना कैफ, इनके फिल्मी करियर की जो अपकमिंग फिल्मों की डिटेल्स है, यानी अपकमिंग मूवीज की जो डिटेल्स है, वो सब डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, चाहे वो 2018 हो, 2019 हो या 2020 हो। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं राहुल रॉय से। तो राहुल रॉय की जो अपकमिंग फिल्मों की रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है बबलू कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल रॉय की मुझे जो अपडेट्स मिले हैं, अभी सिर्फ एक ही मूवी का अपडेट मिला है, जिसका नाम है खतरनाक गल्लू, और ये एक तेलुगु मूवी होगी जो आ सकती है 14 दिसंबर 2019 को। इसको राजा शर्मा ने डायरेक्ट किया है। इसमें वेंकट, राहुल रॉय, उर्मिला राव, मोमेद खान और शक्ति कपूर लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आ सकते हैं, और ये एक एक्शन रोमांटिक फिल्म होगी। अब आते हैं रणबीर कपूर, और ये आप लोगों में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है अंगद शेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। रणबीर कपूर की मुझे 5 मूवीज के अपडेट्स मिले हैं जो आ सकती है। एक तो है संजू, जिसका नाम पहले दत्त रखा जा रहा था, जो संजय दत्त की बायोपिक फिल्म होगी संजू, और ये आएगी 29 जून 2018 को। इसको राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करेंगे। इसमें रणबीर कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला, दिया मिर्जा, सोनम कपूर और अनुष्का शर्मा लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे, और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म नंबर 2 होगी ब्रह्मास्त्र, जिसकी कल अनाउंसमेंट भी हुई है, यानी 24 मार्च 2018 को इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। ये आ सकती है 15 अगस्त 2019 को, लेकिन अब रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। हो सकता है इसकी डेट 15 अगस्त 2019 को रखी जाए। इसको आयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और दिव्येंदु शर्मा लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आ सकते हैं, और ये एक ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म नंबर 3 होगी मिस्टर एंड मिसिस टपोरी, ये आ सकती है 2019 में। इसको करण जौहर डायरेक्ट करेंगे। इसमें रणबीर कपूर और परिणीति चोपड़ा लीड रोल में नजर आएंगे, और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म नंबर 4 हो सकती है, कंफर्म नहीं है, किशोर कुमार जी की बायोपिक फिल्म बनेगी, जो आ सकती है 2020 में, और इसको अनुराग बासु डायरेक्ट करेंगे। फिल्म नंबर 5 हो सकती है, जिसका अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये बन सकती है यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस में, और ये आ सकती है 2020 में, जिसको डायरेक्ट करेंगे करण मल्होत्रा। इसमें रणबीर कपूर और वाणी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे, और ये एक ड्रामा फिल्म होगी। अब आते हैं, 3rd है ऋतिक रोशन। तो ये रिक्वेस्ट आप लोगों में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है सागर रईस कुमार। ऋतिक रोशन की 4 मूवी के अपडेट्स मिले हैं। एक तो है सुपर 30, जो कंफर्म है, जो आएगी 25 जनवरी 2019 को। इसको विकास बहल डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये एक बायोपिक फिल्म होगी। फिल्म नंबर 2 होगी क्रिश 4, जो आएगी दिसंबर 2020 में, ये भी कंफर्म है। इसको राकेश रोशन डायरेक्ट करेंगे, और ये एक साइंस फिक्शन फिल्म होगी। और उसके 2 फिल्में और हैं, जिनके अभी नाम डिसाइड नहीं हुए हैं, और कब आएगी अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ। एक तो बनेगी कबीर खान के डायरेक्शन में, और एक बनेगी सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में। अब आते हैं, नेक्स्ट है गोविंदा, और ये आप लोगों में से ही किसी एक के रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है मितेश नागर। तो चलिए इसकी गोविंदा की अपकमिंग मूवीज की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। पहली जो है वो है कन्फर्म है बिल्कुल, जिसका नाम है फ्राइडे। ये शुक्रवार वाला फ्राइडे नहीं है, ये फ्राई FRY फ्राइडे। ये आएगी 11 मई 2018 को। इसको अभिषेक डोगरा डायरेक्ट करेंगे, और इसमें गोविंदा और वरुण शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे, और ये एक कॉमेडी फिल्म होगी। ये मूवी पूरी तरह से कंफर्म है। सेकेंड फिल्म हो सकती है अवतार, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है, जो आ सकती है 2019 में। इसको पहलास निहालानी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें सनी देओल, गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा और यशपाल शर्मा इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे, और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म हो सकती है। फिल्म नंबर 3 हो सकती है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। वैसे इसकी शूटिंग जो है शायद काफी टाइम पहले हो चुकी है, लेकिन शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको अभी तक रिलीज की हरी झंडी नहीं मिली है। रन भोला रन, ये इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट किया था नीरज वोहरा ने, और ये एक कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म नंबर 4 हो सकती है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है, पार्टनर 2।
और इसको हादी अली अब्रार डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कैटरीना कैफ, ये आप लोगों में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है यूसुफ। कैटरीना कैफ की दो मूवी तो कंफर्म है, एक तो है थग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आएगी 7 नवंबर 2018 को, इसको विजय कृष्णा आचार्य डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कैटरीना कैफ, सना शेख लीड रोल में नजर आएंगे और ये एक एक्शन एडवेंचरस फिल्म होगी। फिल्म नंबर टू होगी जीरो जो आएगी 21 दिसंबर 2018 को, इसको आनंद राय डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म नंबर थ्री हो सकती है राजनीति टू, लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, ये आ सकती है 2019 में, इसको प्रकाश झा डायरेक्ट करेंगे और ये एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म नंबर फोर हो सकती है कोई रेमो डिसूसा के डायरेक्शन में बनेगी और फिल्म नंबर फाइव जो होगी वो आदित्य धर के डायरेक्शन में बनेगी। इनके अभी जो नाम है पूरी तरह से फाइनल नहीं हुए हैं, डिसाइड नहीं हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।